पोषण करने का पता नहीं है। पहला फर्क गुस्ल का बरकरार करना है अगर बदबू रोजा ना मुंह में सड़ के हल्क तक पानी पहुंचे, अगर रोजा है तो कोई नहीं करता। औरत भी ऐसे करें, मर्द भी ऐसे। दांतों को साफ रखो, अगर गोश्त खाया है तो दांतों का फिलहाल करो, निकल जाए तो गोश्त के टुकड़े की मुआ। दूसरा फर्ज गुस्ल का, नाक की इस हड्डी तक पानी पहुंचाओ, नाक में पानी को इस हड्डी तक पहुंचाओ, बाएं हाथ की चोटी अंदर को ढीला करके अंदर डालो, कोई खुश्क ना रह जाए। माई दीदी ने कोकी पहनी हो गया तो पानी डाले, अगर नहीं है तो सुराख लगा हुआ है तो उसके अंदर पानी जरूर डाले, वरना साबुन से पाक नहीं होगी, शैंपू लगाने से पाक नहीं होगी, जुर्म नहीं निकलेगा। ये मेरे नबी की शरीयत का हुक्म। नाजाब होती आपको मेरा सुभान अल्लाह। देखे बड़े बड़े आदमी, बड़े बड़े लेख लोग, उनको मजबूर का पता नहीं होता कैसे क्या। दूसरा फर्ज ये है गुस्ल का, नाक में पानी डालो और सुराख को गीला करो। तीसरा फर्ज है सर की चोटी से लेकर पांव के नाखून तक एक दफा मल के धोवो, फर्ज है तीन दफा मल के धोवो, सुन्नत रसूल। रोजा कर लो, तिलावत करो, तवाफ करो, इबादत करो, सब कबूल होगी। जब मैदा गिजा को हजम कर लेता है तो वजूद में ताकत आ जाती है।